जो मोहब्बत में हो गया नाकाम करूंगा क्या, जो मोहब्बत में हो गया नाकाम मुझे तो और कोई काम भी नहीं करूंगा क्या। मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ, करूंगा क्या जो खिदमत में हो गया नाकाम मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। और इसके साथ साथ मैं मुख्तसर ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं कि वक्त बहुत हो गया, तो वासिफ अली वासिफ की बहुत ही मुख्तसर सी नज़म है। और वो नज़म है कि एक दिन उसने मुझसे कहा, मुझ पर एक नज़म, एक दिन उसने मुझसे कहा कि मुझ पर एक नज़म, एक ऐसी नज़म जिसमें मेरा नाम ना आए। उसने मुझसे कहा एक दिन उससे कहा कि मुझ पर एक नज़म लिखो, एक ऐसी नज़म जिसमें मेरा नाम ना आए, मैं खुद आऊँ। और अल्लाह के फजल और करम से हमने यहाँ पर इतने बड़े बड़े शो किए हैं पाकिस्तान के हवाले से, फारसी पाकिस्तान, बाइकी पाकिस्तान, आपसी पाकिस्तान हमने किए, फिर उसकी नकल करना भी मुश्किल होता है। और वो पिछले काफ़ी अरसे से मैं दरख्वास्त कर रहा था कि पाकिस्तान सोसाइटी से, सबसे कह रहा था कि ना उम्र में अब ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ मुझे जो है ना, वो कह रहे कौन सी उम्र, तो इनके लिए मैं भी एक शेर किया था, ठीक है, एक कटा किता मैंने लिखा है इनके लिए, मियाँ साहब के लिए लिखा था, इनके लिए भी। चमकता महताब देखा, चमकता महताब देखा, हर रंग में गुलाब देखा, महताब देखा। आपके लिए सबसे पहले मेरे लिए तो बहुत खुश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ आई हुई हैं और बच्चे भी हैं, भाई भी हैं। आप बहुत मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हैं मेरे लिए सब, आपको पता है। इस्लाम साकी साहब, आप ख्वाजा साहब और बहुत सारे लोग यहाँ जो मौजूद हैं, इनकी मोहब्बत है जो हमें चला रही है। हम सब की जो चाहत है एक दूसरे की, वही है जो हमें रवा रखती है, बैठने नहीं देती, थकने नहीं देती। मैं अदबी नहीं हूँ, ऐसी अदबी शख्सियत नहीं हूँ कि मैं आप जैसे शेर बोल लूँ, आप जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर लूँ। जो जो अच्छे अल्फाज आप, मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ, एक दफ़ा अम्बेसडर साहब आए हुए थे, वो भी अदबी महकम के, उस दिन भी मैंने यही कहा, जो जो खूबसूरत अल्फाज आपने नसर साहब के लिए कहे ना, प्लीज वो मेरी तरफ से भी कबूल कर। देखिए पाकिस्तान सोसाइटी में हम सब हैं, और वो भी लोग हैं जो यहाँ नहीं हैं। पाकिस्तान सोसाइटी यानी पाकिस्तानी बरादरी बहुत रिच है, बहुत लकी है। मैं समझता हूँ हम लोग बहुत खुशनसीब हैं। आज हम पढ़े लिखे लोगों में बैठे हैं, शायर हैं, लिखारी हैं, मुसन्नफ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, काबिल कदर हैं। और मैं बहुत सारे लोगों में बैठता हूँ जो मजदूर हैं, मेहनत करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जिन्हें मौका मिलता है ना मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ़ फिक्र के लोगों से मिलने का। भाई कर जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, मुझे एक नई ज़िंदगी मिलती है। ऐसी असद मलिक साहब जो है ना, इनको मैं तो तकरीबन जब से आए जानता हूँ माशाल्लाह। बल्कि मैं आपको बताऊँ, जब ये बड़े जोबन में थे ना, तो मेरी हैसियत उस वक्त ये थी जब ये 71 की बात कर रहे थे, 72 की बात कर रहे हैं आप, तो मैं दरवाजे के पास खड़ा होकर इनकी बातें सुनता था। मेरी ऐसी हैसियत नहीं थी कि मुझे जो है ना स्टेज पे बुलाएं और साथ बैठाएं, क्योंकि मैं उस वक्त 16-17 साल का था, तो वहाँ खड़े होकर बातें सुनता था। बहुत सारे लोग आते थे, आज तो लोग नहीं आते ना, आप बुलाते भी हैं तो नहीं आते। उस वक्त जब आप थोड़ी सी बात करें तो लोग, उनका जुर्मट होता था, तो हर तरफ खड़े होते थे, कुर्सियां भरी होती थी, लोग साइडों पे खड़े होते थे, तो मेरे जैसे जो थे ना उस दरवाजे के पास खड़े होकर बातें सुनते थे इनकी। तो अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, इन्होंने बहुत काम किया है। नसर मलिक जो है ना, यकीन जाना ये हीरा है। कदर तो उसी ने करनी है जो समझ सके। मैं आपको एक बात, एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं और नसर मलिक साहब जो है ना, मेरी